हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे मद्रासी गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज है, चटकारेदार है, जिससे मुंह का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप एक बार खाएंगे तो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा गोश्त है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, लहसुन अदरक और सूखा गर्म मसाला डाल के उबाल लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये हमारा बिरयानी है, के लिए मैंने प्याज काट रखा है 250 ग्राम। ये मैंने टमाटर काट लिया है 250 ग्राम इस तरह से गोल। ये मैंने हरी मिर्च को आधे आधे टुकड़ों में काट लिया है। ये हरी मिर्च है, आप इसकी जगह पीला मिर्च या लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा चटपटा बनाना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 बड़े चम्मच। ये नींबू का रस है। ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। वो दही था। अब हम बनाएंगे, इसका तरीका दिखाएंगे बनाने का। ये मैंने तेल लिया इसमें करीब 200 ग्राम। तेल अच्छे से होना चाहिए। ये मैंने गरम मसाला ले रखा है सूखा। ये तेज़पत्ता है 1-2 लौंग है। अब ये 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 दालचीनी। अब मैंने तेल में इन सारे सूखे मसालों को डाल लिया है। मेरा तेल गरम अच्छे हो गया है अच्छे से। ये मेरा गरम मसाला भी हल्का सा पक गया है। अब इसमें हम बिरयानी डालेंगे। ये प्याज को जो मैंने लंबा लंबा काट रखा है, इसका बिरयानी बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच ना करिएगा और बहुत ज़्यादा धीमा भी ना करिएगा, वरना प्याज गल जाएगा। ये मेरा गोल्डन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा गोल्डन मत कीजिएगा, वरना प्याज जला लगेगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा बिरयानी इसमें बचा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन 3 चम्मच। अब इसको थोड़ा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब अदरक लहसुन दानेदार दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइएगा कि हल्का भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चा पाउडर, जो कि 1 चम्मच है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे हम कटा हुआ। आप किसी और आकार से भी काट सकते थे, लेकिन इस तरह काटने से टमाटर बिल्कुल गल जाएगा और पता नहीं चलेगा। अब इसमें दही डाल देंगे हम, ये करीब 200 ग्राम है। मैंने बाउल से 1 बाउल लिया है। इसमें खटास और मिर्चापन बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये मैंने नींबू का रस लिया है, जो कि मेरा 1 नींबू है, चम्मच से करीब 4 चम्मच। ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 चम्मच। अब इसको चलाते हुए हम भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। जब तक ये भून रहा है, तब तक हम इन मसालों को पीस लेंगे। हरी मिर्च, नारियल और प्याज का बिरयानी, और ये काली मिर्च और जायफल, इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे। इसमें मैंने पोस्ते का दाना दिखाना भूल गए हैं वीडियो में, आप उसे भी ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए, मेरा मसाला भुन चुका है, तेल भी छोड़ दिया है। आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल के और भून लें, अगर आपका मसाला सही नहीं भुना हो तो। और अगर भुन गया है तो इसमें गोश्त ऐड कर दीजिए आप। इस तरह से मैंने गोश्त डाल लिया है और चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये जो बिरयानी का मसाला मैंने पीसा था, अब इसे भी डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और मसाला गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया मेरा, अब पकने लगा है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, जो टुकड़ों में मैंने काट रखा था। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मेरा गोश्त पक के तैयार हो गया। अब हम इसे धनिया पत्ती से सजा देंगे। सजाने के बाद हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। जब तक कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।